मन चाहता है उनकी भावना अवश्य पूरी होती है, मैं नहीं करूं, ये वो माफ ठाकुर कह रहे हैं जी। हे गाइस व्हाट्सअप, क्या चाल सभी के, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉलर पांडा। आज 15 अगस्त है, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम सभी फ्रेंड्स का प्लान बना है महाबगढ़ जाने का, जो कि कोटद्वार से 75 किलोमीटर दूर होगा। चलो आइए चलते हैं महाबगढ़ और आपको दिखाते हैं वहाँ की सीनरी व्यूज और मजे करते हैं। चलो, ये मेरो पहाड़ा, यो मेरो ऊंचा हिमालय, देवदार एक छाओ वो मेरा प्यारा गाँव, ठंडो ठंडो पानी यो काफल एक दानी, इज घर बुलूनी बोझू बाट जरूनी। तो गाइज हम पहुंच गए हैं दुगड्डा और यहां तक का रूट आई बटन में मेरी वीडियो आ रही है, प्रीवियस वीडियो, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये राइट साइड वाला जो ये रास्ता, ये जा रहा है सीधा, ये जा रहा है पौड़ी, और लेफ्ट साइड में जो ये रास्ता है ये जा रहा है ऋषिकेश, और इसी रास्ते में मिलेगा हमें महाबगढ़ मंदिर। मार्केट, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के चाय नाश्ता करते हैं, भूख भी लग गई है, और फिर उसके बाद हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं आगे का। ये मेरो पहाड़ा, यो मेरो ऊंचा हिमालय, देवदार एक छाओ वो मेरा प्यारा गाँव, ठंडो ठंडो पानी। पोखाल गांव पार करते ही हमें मिले दो रास्ते, राइट साइड वाला जो रास्ता है ये जा रहा है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, और लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है वो जा रहा है महाबगढ़ मंदिर। फाइनली हम पहुंच गए हैं महाबगढ़ मंदिर, और यहाँ पर ये प्रसाद की दुकान है, और ये है मंदिर का मेन गेट, यहीं से अब हमारी चढ़ाई शुरू होगी। चलो चढ़ते हैं चढ़ाई। फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर में, और नीचे सड़क से मंदिर तक का जो ट्रैक है वो लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है।
जय महाबगढ़ देवता, जय महाबगढ़ ओंकार संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी थोड़ी चढ़ाई जाती है यहाँ की जो मीन वो है बेली होती है, आटा होता है, चावल होता है, यहाँ रोड कटता है। अच्छा, सिद्ध बाबा का रोड कटता है जी, जैसे सावन का महीना हो गया और आपका नवरात्र चैत्र नवरात्र हो गया, ये सरेवे नवरात्र, तीन बार रोड कटता है। ये बावनगढ़ में सबसे ऊंचा गढ़ी है। अच्छा, बाकी जैसे भैरवगढ़ी वगैरह, सब गढ़ों में ऊंचा श्रेष्ठ गढ़ी है। गढ़ों की क्या महत्ता है वैसे? गढ़ माने गढ़पति, मतलब उनको ऐसा नहीं समझा, मैंने आपको क्षेत्र बटे हुए थे। हाँ, क्षेत्र बटे हुए थे, तो गढ़ थे हर जगह। हाँ, राजा तो टेहरी में रहता था, श्रीनगर में, लेकिन उन्होंने गढ़ बांट दी थे। जैसे हमारी दो पट्टियां हैं, अजमेर उदयपुर, यहाँ का गढ़पति महाबगढ़ है। उधर लंगूर गढ़ी में चले जाओ, वो भैरवगढ़ी है। सामने पहाड़ लग रहा है, ये हाथी की सूंड है, ये हाथी का सर है, ये हाथी का पेट है और ये ऊपर पीठ है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाथी लेटा हुआ है। चलो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, बहुत लेट हो गई है। बाय, पसंद आए ब्लॉग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय। तो गाइज, जितने भी नए हैं, दोनों चैनल सोलर पांडा क्रिएटिव लेंस, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी को दबा दो, मार दो।